हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो ये हमारा नया वीडियो होने जा रहा है, ठीक है। तो ये नया हम प्लेलिस्ट बना रहा है। ये प्लेलिस्ट है सिद्धि पुरुषा धर्म Q&A, मतलब सिद्धि पुरुषा धर्म के बारे में क्वेश्चन एंड आंसर होगा। किसी के पास भी सिद्धि पुरुषा धर्म के बारे में क्वेश्चन है तो उसका जवाब हम इस प्लेलिस्ट में देंगे। तो शुरू करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज गॉड अकॉर्डिंग टू सिद्धि पुरुषा धर्म, ठीक है। तो सिद्धि पुरुषा धर्म के हिसाब से गॉड क्या है? तो सिद्धि पुरुषा धर्म के हिसाब से गॉड एंड सैतान इज जस्ट ओनली ए क्रिएशन ऑफ क्रिएटर, ठीक है। क्रिएटर अलग है, अलग एंटिटी है, और गॉड इज डिफरेंट एंटिटी, ओके। गॉड एंड सैतान आर डिफरेंट एंटिटी, ओके। गॉड एंड सैतान इज जस्ट ओनली ए क्रिएशन ऑफ क्रिएटर, ओके। सो हमारे धर्म में गॉड का डिफिनेशन अलग है, ओके। सो आपके धर्म के हिसाब से गॉड का डिफिनेशन अलग होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि आपके धर्म के हिसाब से गॉड मीन्स द क्रिएटर। आप लोग गॉड को ही क्रिएटर समझ लेते हैं, ठीक है, आपके धर्म के हिसाब से शायद। लेकिन सिद्धि पुरुषा धर्म के हिसाब से गॉड एंड सैतान आर टू डिफरेंट एंटिटीज, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये गॉड क्रिएटर नहीं है सिद्धि पुरुषा धर्म के हिसाब से, ठीक है। गॉड को भी क्रिएटर ने बनाया है, ठीक है। तो क्रिएटर क्या है? सिद्धि पुरुषा धर्म में क्रिएटर के बारे में बात करते ही नहीं, ठीक है। क्योंकि क्रिएटर हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, ठीक है। इसलिए क्रिएटर को बस हम क्रिएटर कहते हैं, उसका कोई नाम भी नहीं है, ठीक है। और हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिएटर ने ही समझ को बनाया है, अंडरस्टैंडिंग को बनाया है, ठीक है। तो जिस चीज ने समझ को बनाया है, अंडरस्टैंडिंग को बनाया है, उस चीज़ के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हैं? जिस चीज ने समझ को ही बनाया है, ब्रेन को ही बनाया है, उस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, है ना? तो ये बात है, ठीक है। क्योंकि क्रिएटर अगर चाहता है कि हम उसके बारे में समझें तो ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस बट आई थिंक शायद क्रिएटर ने हमको ऐसा प्रोग्राम किया ही नहीं कि उसके बारे में समझे, इसलिए शायद इतने साल हो गया है ना, मे बी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो आफ्टर ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन होने से यू नो होते ही हम लोग गॉड के बारे में तलाश करने लगे, द क्रिएटर। आज तक हम लोग समझ नहीं पाया कि क्रिएटर क्या चीज़ है, ठीक है। इसलिए हम लोग सोचते हैं सिद्धि पुरुषा धर्म में कि क्रिएटर अगर खुद नहीं चाहते कि हम समझे तो हम लोग समझेंगे ही नहीं, है ना। क्योंकि क्रिएटर ने ही सब कुछ बनाया है ना, समझ को ही बनाया, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को ही बनाया। तो हम उसको कैसे हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हिम? क्रिएटर हैज क्रिएटेड द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हिम, तो ये है, ठीक है। क्रिएटर को हम कोई नाम नहीं देते, क्रिएटर को बस हम क्रिएटर ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिएटर्स ने ही लैंग्वेज को बनाया है, उसको हम किस लैंग्वेज से बात करें? क्रिएटर ने ही द आइडियोलॉजी ऑफ नेम को बनाया है, तो हम उसको कैसे नाम दें, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम सिद्धि पुरुषा धर्म में क्रिएटर के बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि उसको समझना बहुत ही मुश्किल है, शायद हम लोग समझेंगे भी नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्रिएटर के बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करते। हम लोग गॉड के बारे में बात करते हैं, सैतान के बारे में बात करते हैं। और गॉड एंड सैतान क्या है सिद्धि पुरुषा धर्म के हिसाब से? गॉड एंड सैतान इज जस्ट ओनली ए क्रिएशन ऑफ क्रिएटर, ठीक है। क्रिएटर ने बनाया है, ठीक है। तो गॉड एंड सैतान हम उसके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। तो गॉड एंड सैतान क्या है? गॉड एंड सैतान इज जस्ट ओनली ए क्रिएशन ऑफ क्रिएटर। लाइक अकॉर्डिंग टू सिद्धि पुरुषा धर्म, जो भी चीज हमको जिंदा रखते हैं उसको ही हम गॉड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ये फाइव एलिमेंट है जिसके वजह से हम जिंदा रहते हैं। सो इसके
वजह से हम शायद एयर वाटर फायर आर्ट को गॉड कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमको ज़िंदा रखता है उसी चीज़ को हम गॉड कह सकते हैं, और जो चीज़ हमको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है उसको हम शैतान कह सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ में एवरी ऑब्जेक्ट वेदर इट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग बींग्स, उस चीज़ में गॉड एंड शैतान बसा हुआ है। ठीक है, एवरी ह्यूमन बींग कैन बिकम गॉड एंड एवरी ह्यूमन बींग कैन बिकम शैतान ऑल्सो। ठीक है, तो ये कैसे कि जैसे कि तुम्हारा बॉस अगर तुमको बहुत अच्छा लगता है, तुमको प्रमोशन देता है, वैसे ही तुमको प्रमोशन दे दिया, तो तुम्हारे बॉस थोड़ी देर के लिए तुम्हारे लिए गॉड जैसा बन जाता है ना। लेकिन अगर वही बॉस तुमको जानबूझ के बिना कुछ वजह के नौकरी से निकाल दिया, तो वही बॉस तुम्हारे लिए थोड़ी देर के लिए शैतान बन जाता है। ठीक है, तो गॉड एंड शैतान आर एवरीवेयर, इट्स इनसाइड एवरीथिंग, वेदर इट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग बींग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है, जैसे कि हम नेचर को ही ले ले, एयर को ही ले ले, सो एयर को हम ब्रीथिंग करते हैं और ज़िंदा रहते हैं, तो एयर हमारे लिए गॉड बन जाता है। बट वही एयर अगर यू नो टोर्नेडो का रूप ले ले या फिर यू नो स्टॉर्म का रूप ले ले, तो वही एयर से हमारा घर उड़ जाता है, हम भी उड़ जाता है, और वही एयर हमारे लिए शैतान जैसे एक्ट करता है। ठीक है, तो एवरी मूवमेंट्स हैज़ गॉड एंड शैतान, हर जगह जो भी जहाँ भी मूवमेंट्स होते हैं वहाँ पर गॉड भी है, शैतान भी है। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक एन इनर्जी अकॉर्डिंग टू सिद्धि पुरुषा धर्म, गॉड एंड शैतान इज जस्ट लाइक ए इनर्जी दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर। ओके, ठीक है, तो अभी हम बोर्ड में चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है गॉड, ऊपर में है गॉड, ठीक है, एंड दिस इज अ सैटन। ठीक है, तो ये बस कुछ भी नहीं, गॉड एंड सैटन माइट बी ओनली जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग। ओके, इट जस्ट ए इनर्जी मे बी, ठीक है, बट इट ऑल्सो मे बी ए आइडियोलॉजी। ठीक है, क्योंकि गॉड्स मतलब आप बहुत अच्छा इंसान है, आप कभी बुरा काम नहीं करते, तो ये गॉड हो गया लेवल, और ये सैटन लेवल हो गया मतलब सब कुछ बुरा है यहाँ। ठीक है, तो इनलाइटनमेंट ये है। ठीक है, तो हम ह्यूमन बींग्स को कोशिश करनी चाहिए इनलाइटनमेंट बनने की। ठीक है, बट ह्यूमन बींग्स का जो नेचर है वो ऐसा होता है, कभी वो बहुत अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा होता है, कभी फिर से आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ऐसा ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, ह्यूमन का जो बिहेव है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए ह्यूमन बींग्स थोड़ा इनलाइटनमेंट में यहाँ पर रहें। ठीक है, लेकिन इसको कहते हैं इनलाइटनमेंट ये पार्ट। ठीक है, और ये है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, मोस्टली ह्यूमन बींग्स आर लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर जो ज़्यादा बुरा दिखा दिया मतलब ये बुरा ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, तो ये जस्ट एन आइडियोलॉजी है। ठीक है, हमारा जो सिचुएशन मूवमेंट्स मतलब इसको हम मैं अभी समझा नहीं सकता, क्योंकि अभी मैं उतना प्रिफेयर नहीं हुआ हूँ, बट गॉड एंड शैतान एग्जिस्ट विद इन एवरी ह्यूमन बींग। ठीक है, सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर गॉड भी रह सकती है, शैतान भी रह सकती है। ठीक है, तो आपको बस उन गॉड एंड शैतान फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। ठीक है, कंट्रोल करना है आपको, अगर आप कंट्रोल कर पाए, आप बीच में रहे, यहाँ पर गॉड यहाँ पर शैतान है, आप बीच में रहना सीख गए आप, तो आपको कहा जाएगा कि यू आर एन इनलाइटनमेंट बींग, तो आप इनलाइटन हो गया। ठीक है, मतलब आप खुद की अच्छी सोच और बुरी सोच, बुरी फीलिंग्स और अच्छी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो यू आर एन यू नो यू आर इन द प्रोसेस ऑफ इनलाइटन कह सकते हैं। मतलब इनलाइटनमेंट मतलब सब कुछ जानना होता है एक्चुअली। ठीक है, तो सब कुछ जानना तो संभव नहीं है दुनिया में, बट यू आर इन द प्रोसेस ऑफ इनलाइटनमेंट कह सकते हैं, मतलब आप इनलाइटन बन रहा है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अगर आप इसको
कंट्रोल कर सके, ठीक है, आप मिडिल में रह सके, तो ठीक है। तो ये तो सिद्धि पुरुषा धर्म के हिसाब से द क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज गॉड अकॉर्डिंग टू सिद्धि पुरुषा धर्म। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, गॉड इज जस्ट ओनली क्रिएशन ऑफ क्रिएटर्स। ओके, गॉड और क्रिएटर्स दो अलग एंटिटीज है, दो अलग चीज है, ठीक है। तो हम क्रिएटर के बारे में समझ नहीं सकते, सिर्फ हम गॉड के बारे में समझ सकते हैं। और गॉड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप एयर को भी गॉड मान सकते हैं, वाटर, फायर, आर्ट, नेचर को भी गॉड मान सकते हैं, आप किसी ह्यूमन को भी गॉड मान सकते हैं, एनिमल को भी गॉड मान सकते हैं, नॉन लिविंग बींग्स को भी गॉड मान सकते हैं, यू नो, क्योंकि यू नो गॉड एग्जिस्ट एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह, यू नो, सब कुछ। नॉन लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग थिंग्स भी आपके लिए कभी कभी गॉड जैसा एक्ट कर सकता है, ठीक है। और शैतान भी एवरीवेयर है, ठीक है। जिस चीज़ को आप गॉड मानते हैं वो चीज़ भी शैतान हो सकता है। जिस ह्यूमन को आपने गॉड माना वो ह्यूमन भी कभी भी शैतान का रूप ले सकता है, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि गॉड एंड शैतान बी इज जस्ट ए क्रिएशन, लाइक इट्स जस्ट एन आइडिएशन, इट्स जस्ट लाइक एन आइडियोलॉजी, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी इनर्जी भी कह सकते हैं, ये एक ऐसी सोर्स भी हम कह सकते हैं, ऐसी मूवमेंट भी हम कह सकते हैं। ये एक ऐसी इनर्जी मूवमेंट है जो इंसान को ना बुरा काम या फिर अच्छा काम करने में यू नो मतलब वो निभाता है, मतलब ड्यूटी निभाता है, ठीक है। गॉड इज ऑल्सो एन इनर्जी, शैतान इज ऑल्सो एन इनर्जी, और ये इनर्जी हर जगह एग्जिस्ट है, ठीक है। इसलिए कभी शैतान का इनर्जी ज़्यादा हो जाता है तो कुछ भी चीज़ हो वो शैतान ही कर सकता है। अगर किसी चीज़ में गॉड का इनर्जी ज़्यादा है तो वो गॉड जैसा एक्ट करेगा, तो वैसा सिद्धि पुरुषा धर्म का मानना है दोस्तों, ठीक है। तो गॉड एंड शैतान इज व्हाट, डोंट थिंक दैट गॉड इज ओनली वन एंटिटी। जैसे कि आप एक पत्थर को बना के पूजा कर रहे हो तो बस यही गॉड होंगे, ऐसा नहीं है सिद्धि पुरुषा धर्म में, ठीक है। वी बिलीव गॉड एंड शैतान इज जस्ट एन इनर्जी और आइडियोलॉजी, जस्ट एग्जिस्ट एवरीवेयर। कुछ भी चीज़ कभी भी गॉड बन सकता है, कुछ भी चीज़ कभी भी शैतान बन सकता है, ठीक है, सिद्धि पुरुषा धर्म में। लेकिन अगर आप किस चीज़ की पूजा करते हैं, ये अगर आप सवाल पूछे तो सिद्धि पुरुषा धर्म में हम मोस्टली नेचर की पूजा करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट की पूजा करते हैं, एयर, वाटर, फायर, आर्ट की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग बींग्स को हम पूजा नहीं करते सिद्धि पुरुषा धर्म में, ठीक है। क्योंकि लिविंग बींग्स मतलब एनीथिंग दैट ह्यूमन बींग्स और जानवर, इस चीज़ की हम पूजा नहीं करते, क्योंकि दे आर मूवमेंट्स, ठीक है, मतलब वो कभी भी शैतान और कभी भी गॉड बन सकते हैं, उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। पर नेचर, एयर को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि एयर कभी भी यू नो हमारा बुरा नहीं करेगा, ठीक है। एयर कभी कभी स्टॉर्म्स वगैरह का रूप लेके हम लोगों को डिस्ट्रॉय करता है, बट नॉट एवरी टाइम, ओके। तो यू नो क्या है कि गॉड का मतलब सिद्धि पुरुषा धर्म में जो चीज़ हमको ज़िंदा रखे, है ना, वही गॉड है। तो लिविंग बींग्स अगर हमारा गॉड है तो वो टेम्प्रोरी गॉड बन सकता है, जैसे कि कोई ह्यूमन बींग्स आपका जान बचा रहा है, तो वैसे नहीं कि वो ह्यूमन बींग्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल होगा, है ना, हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकते वो ह्यूमन बींग्स। जब वो आपके साथ है तो आपको प्रोटेक्ट करेगा, जब वो आपके साथ नहीं है तो वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो आपके साथ है तो वो भगवान जैसा है, पर आपके साथ नहीं है तो मतलब आपका भगवान गायब हो गया कई बार, है ना। तो इसलिए सिद्धि पुरुषा धर्म में लिविंग बींग्स की पूजा नहीं होती है, तो अब कर सकते हैं लेकिन बट नहीं होती है, हम लोग नहीं करती है, हम लोग नेचर की पूजा करते हैं, बिकॉज नेचर इज एवरीवेयर एवरी टाइम विद अस। अगर एयर की बात करें तो एयर हमेशा हमारे साथ है, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम कहीं भी जाए वो प्रकृति में अवेलेबल है, तो इट्स एवरीवेयर ऑलरेडी। तो इसलिए नेचर हमेशा हमारे साथ है, तो नेचर अगर हमारा गॉड जैसा बिहेव कर रहा है तो ही इज़ एवरी टाइम विद मी टू प्रोटेक्ट अस। इसलिए एयर, वाटर, फायर, आर्ट को हम पूजा करते हैं सिद्धि पुरुषा धर्म में, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज विद अस,
बट ह्यूमन बींग्स को हम ज़्यादा गॉड जैसा पूजा नहीं करते, टेम्प्रोरी पीरियड के लिए कर सकते हैं, बट नॉट एवरी टाइम वी प्रे ह्यूमन, बिकॉज वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कभी भी शैतान का रूप ले सकता है, किसी को कोई गारंटी नहीं, ठीक है. बट दैट्स वाई वी डोंट प्रे लिविंग बींग्स हियर इन सिद्धि पुरुषा धर्म, वी प्रे नेचर, ठीक है. एयर वाटर फायर आर्ट की पूजा होती है सिद्धि पुरुषा धर्म में, और एयर वाटर फायर आर्ट की पूजा होने का दूसरा रीज़न भी है, ठीक है. पहला रीज़न तो हो गया एयर वाटर फायर आर्ट हमें हमारे साथ हमेशा रहती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, और एयर वाटर फायर आर्ट के बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते, इसके वजह से भी पूजा करते हैं. बट अगर लिविंग बींग्स, अगर कोई ह्यूमन हो गया, कोई एनिमल हो गया, इसके बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं, ठीक है. बट एयर वाटर फायर आर्ट के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. दैट्स ऑल्सो द सेकेंड रीज़न. एंड द थर्ड रीज़न इज, देर इज थर्ड रीज़न ऑल्सो, एंड दिस इज बिकॉज सिद्धि पुरुषा धर्म में हम लोग साइकिक एबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, है ना. तो साइकिक एबिलिटी प्रैक्टिस में हम लोग एयर की मूवमेंट करना सीखते हैं, फायर की मूवमेंट करना सीखते हैं, अर्थ की मूवमेंट करना सीखते हैं, ग्रेविटी से खेलना सीखते हैं. तो इसलिए हम नेचर की भी पूजा करते हैं, क्योंकि नेचर की हम यू नो सिद्धियाँ ही सीख रहे हैं, ठीक है. तो ये रीज़न है, कुछ तीन रीज़न है जो सिद्धि पुरुषा धर्म का गॉड है. तो आपका आंसर मिल गया, तो गॉड का मतलब क्या है सिद्धि पुरुषा धर्म के हिसाब से, और किस गॉड की हम पूजा करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा. हम नेचर की पूजा करते हैं जनरली, ओके. सो दैट्स द आंसर फॉर योर क्वेश्चन, ओके. तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ.